of hair do you like? This or this? Obviously, everyone is like silky, smooth, straight and shiny hair. But आजकल बिना मेहनत के ऐसे बाल पाना तो impossible है. बालों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है. अच्छी देखभाल, अच्छी डाइट, अच्छे सप्लीमेंट और अगर ये सब नहीं कर सकते तो महीने में दो बार हेयर स्पा. पर हेयर स्पा के लिए मनी वेस्ट ना जीना, मैं तो सेविंग पे बिलीव करती हूँ. बट हेयर का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना. हाँ बिल्कुल, और इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास जिससे मनी भी वेस्ट नहीं होगी और बिल्कुल एज अ मुझे सिल्की स्मूथ बाल मिल जाएंगे एज लाइक पार्लर. So, क्या करना है इसके लिए हमें? यस, DIY हेयर स्पा ट्रीटमेंट एट होम विदाउट वेस्टिंग मनी. हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम सोनाली सिंह. गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उलझे रूखे फ्रिजी बालों को घर पे ही स्पा के थ्रू कैसे ही उन्हें सुधारा जा सकता है. अगर आप हेयर को मिड से ही नहीं बल्कि रूट से भी मजबूत बनाना चाहते हो तो आपको घर पे ही कुछ स्टेप फॉलो करने, टाइम टू टाइम उन्हें नेचुरल न्यूट्रिशन देना है. क्योंकि मैं तो केमिकल पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती. केमिकल जितना हम यूज करते हैं हमारे बाल उतने ही कमजोर होते जाते हैं और जब हम इन्हें छोड़ देते हैं ना तो इतना हद तक हेयर फॉल क्रिएट होता है आप खुद ही जानते होंगे. मैंने खुद फेस किया है. एक टाइम पे मेरा हेयर फॉल बहुत बढ़ गया था, फिर मैंने रुक किया नेचुरल चीजों की तरफ. तो ऐसा कुछ अपनाइए कि रेगुलर वो चलता रहे, आपके लिए अफोर्डेबल हो और आप जब चाहें उस ट्रीटमेंट को अपना सकें. और दूसरी चीज की अगर आप उसे छोड़ भी देते हैं या फिर आप कई बार नहीं कर पाते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट आपके बालों पे देखने के लिए ना मिले. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप मेरी ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना जिससे मैं आगे कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. फर्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाई शुड वी नीड हेयर स्पा. सो पहले हम बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में हेयर स्पा के. एक तो ये हमारे डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, जितने भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उससे हमें छुटकारा दिलाता है. दूसरा, यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है. जब आप स्टीमिंग करते हो या फिर ऑयलिंग करते हो अपने बालों की तो इससे आपका स्ट्रेस कम होता है. दूसरा, जो रेस्टिंग हेयर होते हैं, फॉलिक्स हेयर होते हैं, वो रेस्टिंग मोड पे जाते हैं तो इससे आपकी हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. तो वो उनको ओपन करता है, इससे न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है. इसके साथ साथ आपके बालों में मॉइस्चर लाता है एंड आपके बालों में जो एक्स्ट्रा ऑयलिंग होती है, यानी कि जो आपका जो स्काल्प है वो एक्स्ट्रा ऑयल जनरेट करता है, उसको कंट्रोल करता है. क्योंकि वो ऑयल आपके बालों में आपकी जो रूट्स होती हैं उनको लॉक करके आपके बालों को डैमेज बनाता है. दूसरा, आपके जो स्काल्प की डेड सेल्स होती हैं ना वो रिमूव होती हैं. स्प्लिटनेस का एंड होता है, स्काल्प में इचिंग नहीं होती है, फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम से दूर. सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना हेयर सीक्रेट कि कैसे मैं ये मास्क या फिर हेयर स्पा 1 मंथ में ही 2 टाइम यूज करके अपने बालों की कंडीशन को सुधारती हूँ, अपने बालों को हेल्दी रखती हूँ और साथ में स्प्लिट भी एंड हो जाते हैं, फ्रिजनेस ड्राइनेस भी इनसे दूर रहती है. सो चलिए यहाँ पे आज आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं. सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने बालों को खूबसूरत हेल्दी बना सकते हो. घर पे ही बिल्कुल मान लीजिए कि 10 रुपीज में अपना हेयर स्पा कर सकती हो. इसके लिए फर्स्ट पहले अपने बालों की ऑयलिंग करनी है. कोई भी ऑयल चूज कर सकते हो आप, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल एंड आर्गन ऑयल, कास्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, आप जो है आपके पास आप वो ले लीजिए और उससे अपने बालों की हल्की हल्की ऑयलिंग करनी है. इससे क्या होगा, फ्रिजनेस गायब हो जाएगी, स्मूथनिंग आएगी आपके बालों में. अच्छे से पहले ऑयल अप्लाई करना है. ऑयल अप्लाई करने के बाद अब हमें सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है. आपको एक बर्तन में 1 कप पानी लेना है और उसे हल्का हल्का गुनगुना गर्म करना है. जब बर्तन में आपको छोटी छोटी बूंदे नजर आने लगे ना, इसका मतलब पानी हमारी यूजफुल के लिए गर्म हो चुका है. गैस को बंद कर देना और उसे 1 मिनट तक ठंडा होने देना. उसके बाद आपको इसे अपनी स्प्रे बॉटल में फिल कर लेना है. स्प्रे बॉटल में फिल करने के बाद सबसे पहले आपको अपने बालों को पूरा नीचे गिराना है और अंदर रूट्स के ऊपर, स्काल्प के ऊपर अच्छे से इसको स्प्रे करना है. देन आप बालों को पलटोगे, उसके बाद आगे के स्काल्प के बालों को भी कवर करोगे. आप इस तरीके से फिंगर से भी अपने बालों को सेपरेट करके और उनमें अच्छे तरीके से स्प्रे कर सकते हो. इससे आपके हर एक रूट में ये पानी जाएगा. देन आपको अपने बाकी के नीचे के बालों को भी कवर करना है. उसके बाद अपने हाथों से मसाज करनी है जिससे प्रॉपरली ये वाटर एंड जितना भी स्टीम है वो आपके बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगे. देन अपने बालों को एक टॉवल से ले या फिर किसी भी कॉटन कपड़े से या फिर कोई भी आप कॉटन टी शर्ट पिक कर सकते हो, उससे अपने बालों के ऊपर लपेटना है और कम से कम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने देना.
देना है। 5 मिनट जब हो जाए तब आपको अपना टॉवल रिमूव करना है। और अब आपको हमने ऑयलिंग भी कर ली है, स्टीम भी ले लिया है, जिससे हमारे रूट्स और जो रोम छिद्र हैं वो सारे ओपन हो चुके हैं। और अब हमें इस पे अप्लाई करना है DIY हेयर मास्क, जिसे आपको घर पे ही बनाना है। और इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 3 सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट जो कि हमारे बालों को रिच न्यूट्रिशन देंगे, भरपूर पोषण देंगे। तो इसके लिए आज मैं यूज कर रही हूँ राइप बनाना। हाँ जी, अगर मैं बात करूँ हेयर मास्क की तो राइप बनाना से अच्छा हेयर मास्क कोई नहीं होता, बेस्ट है। अगर आप अपने बालों को स्मूथ सिल्की करना चाहते हैं, फ्रिजनेस दूर करना चाहते हैं, और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई और रफ हो चुके हैं, तो बनाना हेयर मास्क जरूर यूज करके देखें। जरूरी नहीं कि आप एज अ हेयर स्पा की तरह ही यूज करें, आप सिर्फ आप बनाना हेयर मास्क ही यूज करके देखें और फिर आप खुद ही अपनी आंखों से ही अपने बालों में चेंजेस देंगे। तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए मुझे चाहिए 3 इंग्रेडिएंट। फर्स्ट मुझे चाहिए राइप बनाना, एंड सेकेंड आपको चाहिए यहाँ पे हनी, और थर्ड हम लेंगे ऑयल। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। आपके पास जो ऑयल है प्लीज वो यूज कर लीजिएगा, अगर ऑलिव ऑयल है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें क्वांटिटी की, तो अगर आपके बाल शॉर्ट्स हैं तो आपको 1 बनाना लेना है, अगर आपके बाल मीडियम लेंथ के हैं तो आप 1.5 बनाना यूज कीजिए, और अगर आपके बाल लंबे और घने हैं तो आपको यहाँ पे 2 राइप बनाना यूज करने हैं। बनाने को छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और उसे मैशर में या मिक्सी में डाल के पीस लेना है। बहुत ही सॉफ्ट साइज का थिकेस्ट सा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब हमें इसे किसी अलग बाउल में सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी आपको 2 टेबल स्पून लेना है, और 2 स्पून ही आपको यहाँ पे ऑलिव ऑयल लेना है, या अपना कोई भी आप ऑयल जो यूज कर रहे हो। तीनों को एक साथ मिला के अच्छे से मिक्स करना है। अब आपका ये DIY हेयर मास्क बन के रेडी हो चुका है। अब आपको अपना ये DIY मास्क और हाई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है। अप्लाई करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका एक भी सिंगल बाल नहीं छूटना चाहिए, पूरे बालों को अच्छे तरीके से कवर करना है। आपको बालों को पहले 2 पार्ट में डिवाइड करना है अप्लाई करने के लिए, और थोड़े थोड़े बालों का पार्टीशन लेके, थोड़े थोड़े बिल्कुल बालों का, और उसके बाद थोड़ा सा मास्क लेके उस इस तरीके से बालों को अप्लाई करना है जैसे आप स्ट्रेटिंग क्रीम अप्लाई करते हो, यानी कि नीचे की तरफ उन्हें स्ट्रेट करते हुए अपने बालों पे अप्लाई करना है। अगर आपको ये प्रोसेस अकेले करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ घर में किसी की भी हेल्प ले लीजिए, क्योंकि हेयर स्पा, केराटिन ट्रीटमेंट या स्मूथनिंग ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें करने में थोड़ा अकेले प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप किसी की हेल्प ले लेंगे तो और ईजी हो जाएगा आपके ही लिए। पूरे बालों को अच्छे से कवर करने के बाद आपको हल्के हल्के हाथों से बालों में कॉम्ब करना है, बालों को तेजी से नहीं खींचना है, और कोशिश करें कि जब तक बाल आपके गीले हैं उसी बीच में आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है पूरा, क्योंकि अगर आपके बाल सूख जाएंगे तो फिर कॉम्ब करने में दिक्कत होगी। अब आपको बालों को बिना मोड़े या फोल्ड किए हुए ऐसे ही छोड़ देना है जब तक वो ड्राई नहीं हो जाते। कम से कम इन्हें 30 मिनट लगेगा ड्राई होने में, तो आप 30 मिनट तक के लिए इन्हें रेस्टिंग पे छोड़ लीजिए, तब तक आप अपना कोई भी वर्क कर सकते हो। 30 मिनट बाद ये सूख जाएंगे, और सूखने के बाद ये काफ़ी हार्ड हो जाएंगे। एंड उसके बाद आपको अपना किसी भी शैम्पू से जो आप यूज़ करते हो, शैम्पू एंड कंडीशनर से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद बालों को टॉवल से सुखाना है, एंड देन अपने बालों को कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद बालों को ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद आपके बाल कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही शो कर दिया था कि मेरी बालों की पहले की कंडीशन क्या थी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैंने स्मूथनिंग की रेटिंग करवाया हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर पे ही ये सारे प्रोसेस को फॉलो करती हूँ, और आपने देखा कि पहले मेरे बालों की कंडीशन क्या थी, कितने उलझे हुए, रफ और ड्राई था, शाइन कर रहे हैं। तो इसी तरह आपके बाल भी हो जाएंगे, आपको मिरेकल देखने को मिलेगा कि आपके जो बाल फ्रिजी ड्राई और बिल्कुल उलझे हुए थे वो कितने स्मूथ हो चुके हैं, शाइन उनमें आ गई है 2 गुना, वो भी सिर्फ 10 रुपए के ट्रीटमेंट से। सो अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल इसी तरीके से स्मूथ सिल्की बने रहें, तो कम से कम आपको ये ट्रीटमेंट वीक में एक बार जरूर फॉलो करना है। जब तक आप इसे फॉलो करती रहेंगे आपके बालों की कंडीशन इसी तरीके से रहेगी। अब बात करते हैं हम यूजर इंग्रेडिएंट की, तो जो इंग्रेडिएंट हमने इसमें यूज किया है, पहला है बनाना, सेकेंड हमने हनी यूज किया है, और लास्ट में ऑयल यूज किया है। बनाना रिच न्यूट्रिशन होता है, उसमें सिलिका होता है जो आपके बालों में टेक्स्चर को बूस्ट करता है, जिससे आपके बाल स्मूथ बनते हैं। इसके साथ साथ सॉफ्टनेस लाता है, थिकनेस देता है, और आपके बालों में शाइनिंग लाता है। सेकेंड हमने इसमें यूज किया हनी। हनी आपके बालों में मॉइस्चर को कंट्रोल करके रखता है, डीप मॉइस्चराइजिंग करता है हेयर को।
एंड बात करें ऑयल की, तो ऑयल के फायदे तो आप सभी जानते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हमारे जो भी हेयर ग्रोथ होती है उसको इंक्रीज करता है। तो आप इस कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑयली ऑयल यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो होता है वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो ये सारे इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे यूज किए, सप्लीमेंट यूज किए, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और इससे एक बहुत ही अच्छा रिच न्यूट्रिशन हमने मास्क बना के रेडी किया। बट अगर आपके बाल ऑयली या चिपचिपे हैं तो प्लीज आप यहाँ पे ऑयल की क्वांटिटी सिर्फ 1 टेबल स्पून ही यूज करें और हनी को स्किप कर दें, क्योंकि आपके बालों में ऑलरेडी मॉइस्चर है, आपके बालों में ऑलरेडी ऑयल है, तो एक्सेस आपको मॉइस्चर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी चीज ओवरटेक की जाती है तो उसका साइड इफेक्ट ही देखने को आई होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें जिसको भी जरूरत हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कमेंट करके बताइए नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो।